नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। और दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी डिस्कस करने के लिए नहीं। दोस्तों, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक की बात करेंगे। मैं ये कुछ पढ़ रहा था और मुझे लगा कि मुझे ये बातें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई। दोस्तों, मैं पढ़ रहा था 6 Habits of Successful People। मुझे बहुत अच्छी लगी ये 6 बातें, तो मुझे लगा मैं आपके साथ ये 6 बातें क्विकली डिस्कस करूं। और मुझे लगा कि शायद ये हम सब की जिंदगी में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, हम सब प्रोफेशनल्स की जिंदगी में। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन लाइन है और आपने बहुत जगह सुनी होगी। मैं आपको बस रिमाइंड कराना चाहता हूं, जिसने नहीं सुनी वो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें। एक एक्रोनिम बना इन 6 हैबिट्स को मिलाकर, और उस एक्रोनिम को प्रोनाउंस करते हैं सेवर्स के नाम से, सेवर्स, SAVERS, सेवर्स। इन 6 बातों के बारे में मैं आपको एक एक करके फटाफट बताता हूं। एस स्टैंड्स फॉर साइलेंस, ए स्टैंड्स फॉर एफर्मेशन, वी स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड एस स्टैंड्स फॉर स्क्रिबलिंग। अब इन 6 बातों की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस हमारी जिंदगी में क्या हो सकती है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। दोस्तों, एस साइलेंस, सुबह उठते ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये बात जो एस्टैब्लिश्ड हैबिट है सक्सेसफुल लोगों की, चुप रहना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, थिंक अबाउट फ्यूचर, थिंक अबाउट अस। एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब कीप रिमाइंडिंग, कीप रियलाइजिंग, कीप टेलिंग योरसेल्फ that it is true, it can be possible. The moment we think, whatever a human mind can think is possible to achieve also, my dear friends. So keep affirming yourself. अपने आपको याद दिलाते रहिए, अपने आपको विश्वास दिलाते रहिए कि ये संभव है, ये हो सकता है, ऐसा होगा. Visualization, visualize कीजिए. Again I am repeating, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, लेकिन whatever you can visualize, you can create also. Take it from me. So keep visualizing new things. Keep visualizing new future, new dreams, new goals. Keep visualizing. Exercise. हम सब जानते हैं कि सुबह की कुछ देर की एक्सरसाइज, चाहे हम योगा करें, चाहे कुछ भी स्ट्रेचिंग करें, कुछ भी 10 मिनट की एक्सरसाइज भी हमारे दिमाग में ऑक्सीजन को इनहेंस करती है, इंक्रीज करती है, जिससे कि हम सारे दिन के लिए तैयार होते हैं. Reading, R stands for reading. Every day we should read something or the other, whatever we like, but we should try reading something which actually elevates our personality, which enhances our understanding of life, enhances understanding, enhances knowledge. S, scribble. आजकल क्या हो गया है कि हर चीज हम मोबाइल पर लिखते हैं, लैपटॉप पर लिखते हैं, but keep, start keeping a diary. A notebook, जहां पर आपको कुछ भी समझ में आए, कुछ भी याद आए, कुछ भी दिल में आए, वो लिखें, so that you have an habit, and the moment you write, my dear friends, it have a magnetism. The similar is what with visualization. When you visualize something, it has a magnetism, and when that visualization goes into the universe, वो magnetism comes back. That magnetism comes back to you. So these were the 6 Habits of Successful People, Savers. मुझे लगा मुझे अब हम सब दोस्तों के साथ ये डिस्कस करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल. GST की वीडियोज के लिए मैं फिर आता रहूंगा दोस्तों. थैंक यू वेरी मच.